जब किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो वह त्वरण कहलाता है। इसको कैसे सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं? a बराबर v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस t1। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। वेग में परिवर्तन, कोई दो वस्तुएं हैं उनके वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1, उसमें कितना लगा समय t2 माइनस t1, ये क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो औसत वेग होता है उसी तरह इसके भी तीन ग्राफ होते हैं, ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके त्वरण के ग्राफ के बारे में, किसके मध्य खींचे जाते हैं, स्थिति और टाइम के बीच में। तो पहला है इसमें धनात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक रूप में, किसके लिए? स्थिति। और ये y एक्स है, ये x एक्स है, ये स्थिति x और ये t टाइम सेकंड में, ये वो मूल बिंदु है। जो तो धनात्मक त्वरण में ग्राफ कैसा आएगा? हमेशा इस तरह से ऐसे चलेगा। अब बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण के बारे में। ऋणात्मक जो ऋणात्मक त्वरण है वो भी किसके मध्य खींचा जाता है? स्थिति और टाइम के लिए। तो एक अक्ष ये हो गया, दूसरा अक्ष ये हो गया, इसका मूल बिंदु O है, इसके दो अक्ष हैं x दूसरा y, इधर की तरफ स्थिति मीटर में, टाइम t सेकंड में। इसका ग्राफ क्या होगा? जस्ट जो धनात्मक जो धनात्मक है उसके विपरीत होगा। यह हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे घट रहा है। तो यह है धनात्मक त्वरण के लिए और यह है ऋणात्मक त्वरण के लिए। अब जो इसका तीसरा ग्राफ है वो है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण के लिए। इसका ग्राफ किस तरह से आ जाएगा? ये मूल बिंदु है और ये इसका x बिंदु है, ये y है, ये मीटर में और ये सेकंड में। इसका ग्राफ आ जाएगा डायरेक्ट सीधा मूल बिंदु से, नहीं होगा बीच में से। तो इस तरह से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? शून्य त्वरण प्राप्त होगा। तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये शून्य त्वरण।